हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो हमको इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं चार। हमको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट या कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा ड्रग आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस। स्टेटमेंट बी है अ ड्रग इज़ अ केमिकल एजेंट विच अफेक्ट्स ह्यूमन मेटाबॉलिज्म एंड प्रोवाइड्स क्योर फ्रॉम एलमेंट। स्टेटमेंट सी हमारी है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यूज एज मेडिसिंस आर पोटेंशियल पॉइजन्स इफ टेकन इन डोजेस हायर देन दोज रिकमेंडेड। ठीक है, एंड ऑप्शन डी हमारा है यूज ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड मेंटल थेरेपी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा ड्रग्स एंड देयर एक्शन। ड्रग्स एंड देयर एक्शंस। तो स्टेटमेंट ए हमको इसमें दिया हुआ है ड्रग्स आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, तो अगर ड्रग्स का हम मॉलिक्यूलर मास देखें ये होता है अबाउट 100 to 500 यूनिट। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये बहुत कम है। ठीक है, तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, लो होता है। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, 100 to 500 यू। ठीक है, ड्रग्स क्या करते हैं, ये मैक्रोमॉलिक्यूलर टारगेट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिससे कि ये कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पांस जो है प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और इनका लेकिन खुद का मॉलिक्यूलर मास बहुत ही लो होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है हमारी ये करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बी हमारे को यहाँ पर दिया हुआ है अ ड्रग इज़ ए केमिकल एजेंट विच इफेक्ट्स ह्यूमन मेटाबॉलिज्म एंड प्रोवाइड्स क्योर फ्रॉम एलमेंट। तो ड्रग्स क्या होती है, इनको हम यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन। ठीक है, तो जब इनका जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो थेरेप्यूटिक होता है। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करते हैं, मेडिसिन कहते हैं और हम उनको यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमको किसी भी डिसीज़ के सिम्टम्स से जो होती है उनको ट्रीट करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं दे आर यूज्ड टू प्रिवेंट ट्रीट और रिलीव सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज। डिसीज़ और एबनॉर्मल कंडीशन कह सकते हैं। और इनको लेने से क्या होता है, ये हमारी बॉडी वर्क को इफेक्ट करते हैं और जो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट होता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेट जो है ड्रग कंसंट्रेशन के साथ साथ ही इंक्रीज होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट में हमसे यही कहा गया है कि अ ड्रग इज़ अ केमिकल एजेंट विच इफेक्ट्स ह्यूमन मेटाबॉलिज्म एंड प्रोवाइड्स क्योर फ्रॉम एलमेंट, जो कि करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, एलमेंट से हमको क्योर मिलती है और ह्यूमन मेटाबॉलिज्म को भी ये इफेक्ट करता है। अब स्टेटमेंट सी हमको दिया हुआ है यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स यूज्ड एज मेडिसिंस आर पोटेंशियल पॉइजन्स इफ टेकन इन डोजेस हायर देन दोज रिकमेंडेड। ठीक है, मतलब ये कह रहा है अगर रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा हम उनको ले लें ड्रग, किसी भी ड्रग को, तो वो क्या हो सकते हैं, पॉइजनस हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा लेने का क्या मतलब है, मतलब उनका ओवरडोज हो रहा है। ठीक है, तो जब किसी भी ड्रग का ओवरडोज हो जाता है, मतलब हम रिकमेंडेड अमाउंट से ज़्यादा उस ड्रग को ले लें, तो इसका जो है हमारी बॉडी फंक्शन पर बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, एंड हमारा पल्स रेट,
ठीक है, पल्स रेट को ये इफेक्ट करता है, ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है, एंड नर्वस सिस्टम को हमारा ये इफेक्ट करता है। यहाँ तक कि इससे हमारा ब्रेन डैमेज तक हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये कितना ज़्यादा हार्मफुल है, ब्रेन डैमेज, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर ओवरडोज हो जाता है तो ये क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तो जो स्टेटमेंट सी है हमारी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट डी है, यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट इज कॉल्ड मेंटल थेरेपी, ठीक है। क्या कह रहा है, यूज़ ऑफ केमिकल यूज़ ऑफ केमिकल फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है। जब केमिकल्स का थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। क्या कहते हैं इसको, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा था कि इसको हम कहते हैं यूज़ ऑफ केमिकल्स फॉर थेरेप्यूटिक एक्शन को, इफेक्ट को हम कहते हैं मेंटल थेरेपी, जो कि इनकरेक्ट होगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। तो स्टेटमेंट डी जो है हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी, तो करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी ऑप्शन ए, स्टेटमेंट ए, बी एंड सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें है ए बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।